धैर्य पथ एक आत्मकथा किताब का विमोचन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कुलाधिपति की यह किताब है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी वीसी है जितेंद्र जोशी जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिसका विमोचन आज किया राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। तो ये तस्वीरें देहरादून से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धैर्य पथ एक आत्मकथा इस नाम से खिताब को लॉन्च किया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह विमोचन कर रहे हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने ये किताब लिखी है जो उनकी आत्मकथा है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम जितेंद्र जोशी है जिन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का शीर्षक है धैर्य पथ एक आत्मकथा। किताब का विमोचन राज्यपाल गुरमीत सिंह कर रहे हैं। देहरादून में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किताब के कवर पेज को आप देख रहे हैं, जिसमें धैर्य पथ इस शब्द को बड़े बड़े शब्दों में, ये धैर्य पथ शब्द लिखा है। धैर्य पथ टैगलाइन है एक आत्मकथा, और साथ ही किताब के कवर पेज पर आप जितेंद्र जोशी की तस्वीर भी देख रहे हैं। जितेंद्र जोशी जो कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उन्होंने किताब लिखी है जिसका विमोचन राज्यपाल कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरों में आपको राज्यपाल गुरमीत सिंह भी नजर आ रहे होंगे, और साथ ही तमाम प्रोफेसर भी इस दौरान मौजूद हैं। और साथ ही धैर्य पथ आत्मकथा जितेंद्र जोशी ने लिखी है, और इस किताब में उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और ये तस्वीरें आप सीधी देखिए देहरादून से। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी जीवन यात्रा की स्मृतियां अब कब मन से पन्ने पर उतर आई और एक पुस्तक बन गई आत्मकथा। यह मेरी खूब सुना था उसकी आत्मकथा, इसकी आत्मकथा, और यह सब सुनते सुनते मेरी आत्मकथा ने भी एक रूप ले लिया। और आज वह मेरे हाथ में है। धन्यवाद उस नीति का जिसने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और मैं लिख सका, वरना मेरे कामों में इतनी फुर्सत कहां कि मैं पेन कॉपी लेकर आत्मकथा लिखने बैठूं। कभी सोचा भी न था कि महामहिम राज्यपाल महोदय से हुई एक औपचारिक भेंट उसका कारण बनेगी। मेरे लिए तो यह किसी चमत्कार से कम न था। महोदय, आपके मुझे मेरी जीवन यात्रा के लिखने के लिए प्रेरित किया और आपकी प्रेरणा से मैं कुछ ऐसा कर सका जो अब धैर्यपथ रूप में आत्मकथा हमारे सामने है। मैं हृदय से गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। महामहिम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं एक बार महामहिम जी से मिलने राजभवन गया। महामहिम जी ने बैठा, चाय पिलाई और उसके बाद कहने लगे, जो सीधी आपका फ्रेंड दृष्टि है और आप क्या लिखते हैं, और इसके अलावा
मैंने महामहिम जी को बताया कि मैं एक मध्यम परिवार से पैदा हुआ और मैं यहां पहुंचा हूं। उन्होंने काफी देर तक डिस्कस करने के बाद कहा, जोशी आप एक आत्मकथा एक कथा लिखनी चाहिए, एक आत्मकथा होनी चाहिए। सर ने मुझे आदेश दिया और कहा कि एक साल का टाइम दे रहा हूं आपको, एक साल के अंदर अंदर अगर आपने नहीं ली तो देख लो। तो सर ने जो है मुझे एक साल का टाइम दिया, कहा एक साल के अंदर मैं इसका उद्घाटन करूंगा और आपको ये किताब लिखनी है। तो मैंने फिर कोशिश करी कि इस तरह मैं इस किताब को लिखने की कोशिश करता हूं। मैं रास्ते में गाड़ी में बैठा हुआ सोच रहा था, धीरे 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 मैं अपने कॉलेज की तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। मैं अपने ऑफिस में बैठा एक सीट रखा हुआ था, उसे देख रहा था तो एक लेडी जो है पेड़ के ऊपर जाती फिर पीछे आ जाती, फिर ऊपर जाती फिर पीछे आ जाती। मैं उसे देखता रहा लेडी को और सोचता रहा कि महामहिम जी ने तो कह तो दिया लेकिन लिखूंगा कैसे इस किताब को, मैं तो कोई लेखक